हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 सॉल्व किया है, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन है क्रायोलाइट, फिल्सपार, बॉक्साइट और एजुराइट। तो इसका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। इसके अलावा क्रायोलाइट, बॉक्साइट और एजुराइट ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। इनके अलावा कोरंडम, जिसे नीलम भी कहते हैं, डायस्पोर और क्यूपराइट ये एल्युमिनियम के अयस्क हैं। दोस्तों, कई बार एग्जाम में नीलम या कोरंडम का केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल फार्मूला होता है Al2O3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तांबा तथा जस्ता मिश्रण है। ऑप्शन है कासा, जर्मन सिल्वर, पीतल और इस्पात। तांबा और जस्ता के मिश्रण को हम पीतल कहते हैं, कॉपर और जिंक, जिसे हम ब्रास भी कहते हैं, जिसमें कॉपर का परसेंटेज 70% होता है, जिसमें कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। वैसे कासा, जिसे ब्रॉन्ज भी कहा जाता है, जिसमें जो कार्बन और टीन को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें कॉपर का मात्रा 88% और टीन 12% होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है। वहीं पे इस्पात, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड किसकी मौजूदगी के कारण विद्युत का चालन करता है? तो ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त अणु, मुक्त आयन और मुक्त परमाणु। तो विद्युत चालन पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में मुक्त आयन के कारण होता है, और ये आयन्स होते हैं केटायन्स और एनायन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी कंडक्टर में, जैसे एग्जांपल ले लें तो कॉपर वायर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का फ्लो होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व कहलाते हैं। वैसे तत्व जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान हो, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है समस्थानिक, अपरूप, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरूप, जिसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स हमें पता है, जैसे ग्रेफाइट और हीरा, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स अपरूप कहलाते हैं। समस्थानिक, केंद्र में प्रोटोनों की संख्या समान हो तो हम उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। और न्यूक्लियस या केंद्र में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समावयवी यानी कि आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स जिनका भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक गुणधर्म, केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हेक्सावेलेट क्रोमियम किसके बहिस्राव में
प्रबलता से मौजूद होता है। ऑप्शन है चर्म शोधन शालाएं, दुग्धशालाएं, शर्करा उद्योग, मदय निर्माण शालाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा चर्मशालाएं। चर्मशालाएं के बहिश्राव में हेक्सावेलेट क्रोमियम प्रबलता से मौजूद होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जल में क्षार मिलाने का प्रभाव, जल में क्षार मिलाते हैं तो क्या होता है? जल में हम जब क्षार मिलाएंगे तो उसका जो हाइड्रोक्साइड आयन है यानी कि क्षारीय प्रकृति है वो क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगा उसके अम्लीय प्रकृति से, उसके अम्लीय प्रकृति से। यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन से अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग ऑप्शन नंबर ए 330 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ऑप्शन है तीव्रता पर, आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि का वेग होता है वह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगर तरंग दैर्ध्य को हम परिभाषित करें तो माध्यम के किसी कण के कंपन में तरंग जितनी दूरी तय करता है वो क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य करता है। माध्यम का कोई कण है वो कंपन कर रहा है, तो कंपन करने के कारण जो तरंग होगा, जितनी दूरी तरंग जितनी दूरी तय करेगा वो क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहलाता है, जिसे हम वेवलेंथ भी कहते हैं और इसे लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए, इसका ऐसा यूनिट मीटर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य आपने पढ़ा होगा, एक शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर, वी से वायलेट, ये वेवलेंथ का तरंग दैर्ध्य का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड का होता है, और सबसे कम किसका होता है? वायलेट का होता है। तो क्वेश्चन, किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो आप क्या बताएंगे? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पे सबसे कम पूछा जाए तो किसका होता है? बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 6569 एंगस्टन। वहीं पे बैंगनी रंग का 3969 एंगस्टन होता है। तो ये आप याद रखें, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लाल, हरा, नीला व बैगनी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड रेले। रेले ने प्रकीर्णन के लिए एक फार्मूला या एक रिलेशन बताया जिसके अकॉर्डिंग जो प्रकीर्णन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के पावर 4 के। तो जिसका इन्वर्सली रिलेशन है यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा उसका प्रकीर्णन सबसे कम, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बैगनी रंग, क्योंकि बैगनी रंग का वेवलेंथ हमने देखा कितना होता है, सबसे कम होता है 3969 एंगस्टन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग या आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है, जो समुद्र है उसका रंग भी नीला दिखाई देता है। साथ ही साथ सूर्यास्त और सूर्योदय, सनसेट और सनराइज के समय जो सन होता है, सूर्य होता है, हमें वो लाल रंग का दिखाई देता है,
उसका कारण भी यही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, ऑप्शन है 50, 70, 95। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 95 डेसिबल से ज़्यादा हम सुन नहीं सकते, ऑडिबल नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है, ऑप्शन है पल्सर, क्वार्ट्ज क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक और वाइट ड्राफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक के मदद से समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप में मापा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक एक करके देखते हैं, ये तीनों बिंदु, एक क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, ये फेज चेंज या फिर अवस्था परिवर्तन वाली बिंदु हैं। अगर हम बात करें क्वथनांक बिंदु, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका, गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु क्या होता है, जिसमें जो तरल है यानी कि जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ये क्या कहलाता है आपका, हिमांक बिंदु कहलाता है। ये तीनों बिंदु अवस्था परिवर्तन वाली बिंदु हैं। इसके लिए खास बात, इसके लिए कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या होता है, नियत ताप और व नियत दाब पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे ये चीज़ें होती हैं। फेज चेंज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मेरुदंड यानी कि वर्टिबल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वर्टिबल में हड्डियों की संख्या होती है 33। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग, त्वचा से प्रतिदिन पानी कितना खर्च होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है 400 मिलीलीटर, 900 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा से प्रतिदिन 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। एक चीज़ और देखिए, त्वचा जो होता है वो हमारा उत्सर्जन अंग का भाग है। तो अब आता है सवाल कि उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं। तो उत्सर्जन अंग के बारे में बात करें तो पहला तो हमने देख लिया त्वचा। त्वचा के अलावा यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, लीवर और किडनी या फिर वृक्क व फेफड़ा, ये चार जो हैं वो हमारे उत्सर्जन अंग होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ह्यूमरस हड्डी उपस्थित होती है, आपको एक कंकाल तंत्र का चित्र दिख रहा होगा, आप इसमें ढूंढे ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा ह्यूमरस हड्डी, और ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे है, ये हमारे अग्रभुजा में, अग्रबाहु में। तो आंसर हो जाएगा उसका ऊपरी लिम्ब या ऊपरी बाहु में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। ऊपरी बाहु के अलावा, ह्यूमरस हड्डी के अलावा, हाथ में और कई सारी हड्डियाँ होती है जिनके नाम देख लेते हैं हम, जिनका नाम है रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और उंगलियाँ, जिसे हम फ्लैंजेस कहते हैं, फ्लैंजेस। एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पर कि ह्यूमरस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ह्यूमरस में हड्डियों की संख्या होती है 2, रेडियस और अल्ना मिला के हड्डियों की संख्या होती है 4, कार्पल में हड्डियों की संख्या होती है 16 व मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या होती है 10,
और उंगलियां जिसे हम फ्लैंजेस भी कहते हैं, फ्लैंजेस में सबसे ज्यादा हड्डियां होती है और इनमें हड्डियों की संख्या होती है 28, 14 इस वाले में और 14 इस वाले में, टोटल हो जाएंगे 28। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग है, फूल का चमकीला और आकर्षक अंग के कारण ही जो एनिमल्स जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं, जो फ्लावर्स की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग है, ऑप्शन है दलपुंज, बाह्य दल, दल और पुष्पवृत्त। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दलपुंज। जो चमकीला और आकर्षक अंग होता है वो क्या होता है, दलपुंज होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर वाला एरिया, ये फ्लावर का, ये कहलाता है आपका दलपुंज, जिसे हम कोरोला भी कहते हैं। ज्यादा जानकारी हम यहाँ से लेते हैं, फूल का चमकीला तथा आकर्षक भाग दलपुंज कोरोला कहलाता है। कोरोला रंगीन होता है, यह हरा रंग को छोड़कर अन्य रंगों में पाया जाता है, यानी कि हरा रंग का नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, जो बाह्य दलपुंज होता है यह प्रायः हरे रंग का होता है, यह फूल का बाहरी भाग होता है। यहाँ पे देखेंगे हम, ये भाग फूल के फ्लावर का बाहरी भाग है, ये हमारा कहलाता है बाह्य दलपुंज। नेक्स्ट अगला है फूल की डंठल। फूल के डंठल को क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं पुष्पवृत्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कालरा होता है, कालरा एक बीमारी है, पूछ रहा है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, कीटों के द्वारा या टॉक्सिन के द्वारा। तो कालरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसका कारक बैक्टीरिया है, और कालरा के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। बैक्टीरिया की खोज, इक्वेशन बैक्टीरिया जैसे आया तो बैक्टीरिया से क्वेश्चन ये भी बनता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो बैक्टीरिया की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी। पूछा जाए कि कब की थी, तो सन 1675 ईस्वी में एंटी वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी, और एंटी वॉन ल्यूवेन हॉक ने ही इसे जंतुक कहा था, इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया, इन्होंने नाम दिया था जंतुक। फिर आगे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एहरेनबर्ग, एहरेनबर्ग, एहरेनबर्ग ने इसे बैक्टीरिया नाम दिया, बैक्टीरिया, इसे बैक्टीरिया नाम दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंडे उत्तम स्रोत होते हैं तंतुओं के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के व वसा के। तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं अंडे, दाल के बाद अंडों को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पौधों के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है, ऑप्शन है पत्ती, फूल, तना व मूल। पौधों के तने से जूट तंतु पाया जाता है, पौधों के तने से जूट तंतु पाया जाता है। ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, इसी तरह हर लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए इस चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। धन्यवाद।